बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्यारा बारो आओ अमर जी सिंधिया जी टीचर आया। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारे बच्चों शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अज असी क्लास दही लाए पंजो मजमून सिंधी पढ़ंदासी। अज असा जो लेक्चर नज़म दुआ ते मुश्तमिल आहे। प्यारे बच्चों हमारा आज का लेक्चर जो है वो नज़म दुआ पर मुश्तमिल है। एहिन मां असी पंहिंजो पेपर पैटर्न मुतारिफ़ कराईंदा। सभ खां पहिरियों इसो अलिफ जेकी कसीरुल इंतिखाबी सवालात ते मुश्तमिल आहे। हिन खां पोइ इसो बे मुख़्तसर जवाबनि जे सवालात ते मुश्तमिल आहे। ऐं सभ खां आख़िरी इसो जीम जेकी बयानी जवाबनि जे सवालात ते मुश्तमिल आहे। प्यारे बच्चो हमारा आज का लेक्चर जो है वो नज़म दुआ पर मुश्तमिल है, जिसमें हम अपने पेपर के पैटर्न के मुताबिक हिस्सा अलिफ कसीरुल इंतखाबी सवालात पढ़ेंगे कुछ, फिर हिस्सा बे मुख्तसर जवाबों के सवालात हैं कुछ उसमें, और हमारा आखिरी हिस्सा जीम जो के बयानिया सवालों के जवाब पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि नज़म के उन्वान से आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें हम कुछ दुआएं कर रहे हैं अपने खालिके हकीकी से। सब खां पहिरीं असी नज़म जे शायर जा तारुफ ऐं नज़म जी वज़ाहत कंदी, पोइ असी सबक जो बकिया काम पढ़ियो आहिनि। इन नज़म जो शायर हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी सेवण मां पैदा थियो। हिन जो तालुक अबासी खानदान सां हो। इस नज़म के शायर हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी थे। आप सेवण में पैदा हुए और आपका तालुक सेवण के अबासी खानदान से था। पेशे के लिहाज से आप हकीम थे, फताह मोहम्मद आपका नाम था और सेवाणी आप अपने शहर सेवण का नाम अपने साथ लगाते थे। इस तरह आपका मुकम्मल नाम जो है वो हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी मशहूर हुआ। अरणी असी मां पैदा थियो। आप सन 1880 में पैदा हुए। अरबी ए फारसी जी तालीम हासिल कयाई, पोइ हिकमत शुरू कयाई। आपने अरबी और फारसी की तालीम हासिल करी और उसके बाद हिकमत का पेशा अपना शुरू किया। प्यारे बच्चों एक चीज की वजाहत कर दूं आपको कि पहले जमाने में जबानों का इल्म दिया जाता था, जबानें पढ़ाई जाती थी, इसके अलावा रियाजी पढ़ाई जाती थी। तो इसीलिए जितने भी हमारे अदीब हैं जिनको आप पढ़ेंगे या हमारे शायर जो हैं जिनकी नज़में हमारी किताब में शामिल हैं, आप देखें इब्तदाई चीजें उन्होंने जबानें पढ़ी हैं। तो इसी तरह हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी ने भी अरबी और फारसी की तालीम हासिल करी और उसके बाद अपना पेशा यानी हिकमत शुरू की। कराची मां 1940 मां दवा खानों खोलियाई। कराची में सन 1940 में आपने अपना एक दवा खाना खोल लिया। 1942 मां वफात करी वे हो। आप 1942 ईस्वी में आपकी वफात हो गई। मुख्तलिफ सियासी एं मजहबी तहरीकन मां हिस्सो वरताई। आपने मुख्तलिफ किस्म की सियासी और मजहबी तहरीकों में हिस्सा भी लिया। पंहिंजे हिन नज़म दुआ मां हू असांजे दीन ऐं ईमान जी सलामती जी दुआ घुरे थो। अपनी इस नज़म दुआ में वो हम सब के दीन और ईमान की सलामती की दुआ कर रहे हैं
हू चवे थो ते असां सभिनी खे ताक़त ऐं हिमत अता कर। वो अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला तू हम सबको हिम्मत और ताकत अता कर, अहिड़ी ताकत अहिड़ी हिम्मत जहिड़ी अॻियां जहिड़े इंसाननि मां थी, ऐसी ताकत और ऐसी हिम्मत जैसी के हमसे पहले गुज़रे हुए लोगों में मौजूद थी। हू पंहिंजी हिम्मत ऐं ताक़त सां पंहिंजे मुल्क खे ऐं पंहिंजे मज़हब खे बुलंद दर्जे ताईं पहुचाइण लाइ निकिरी पियो ऐं कामयाब थियो। उन्होंने अपनी हिम्मत और ताकत से अपने मुल्क को और अपने मजहब को बुलंद दर्जे पर पहुंचाने के लिए कोशिश करी और कामयाब भी हो गए इसमें। बच्चों, ये मुख्तसर था शायर का तारुफ था और नज़म का तारुफ भी हमें साथ में बताया गया। आइए हम देखते हैं इस लेक्चर में हमारे पास आगे क्या काम आ रहा है। सब खां पहिरीं प्यारा वारो पंहिंजो हिसो अलिफ, जेकी कसीरुल इंतखाबी सवालात ते मुश्तमिल आहे, असीं पढ़ंदासीं। डिंगिन मां मुनासिब लफ़्ज़ चवंदी ख़ाल भरियो। आपको कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं नीचे, उसमें से सही लफ़्ज़ चुनकर खाली जगह को फिल करना है। असांजो पहिरियों कसीरुल इंतखाबी आहे, नज़म दुआ जो शायर आहे। नज़म दुआ के शायर है। असांजो ऑप्शन आहिनि हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी, शाह लतीफ़, हकीम तहसीन ऐं मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर। अलिफ मां आहे हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी, बे मां शाह लतीफ़, जीम हकीम तहसीन ऐं दाल मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर। तो प्यार वारो, असांजो सही ऑप्शन छा आहे? तव्हां कोशिश कंदा? हलो करियो कोशिश। हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी। प्यारे बच्चों, हमने भी आपको लेक्चर में भी बताया था और यहाँ पर भी आपसे यही चीज पूछी गई है कसीरुल इंतखाबी सवालात में, तो हमारा सही ऑप्शन है हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी। असांजी बई कसीरुल इंतखाबी आए हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी, सेवण मां डैश खानदान मां जाओ। हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी सेवण के डैश खानदान में पैदा हुए। असांजो ऑप्शन आहिनि अलिफ मिर्ज़ा, बे बुखारी, जीम निज़ामी ऐं दाल अब्बासी। तो असांजो सही ऑप्शन छा आहे? बिल्कुल सही, असांजो सही ऑप्शन आहे दाल यानी अब्बासी। अॻियूं असांजो चौथीं कसीरुल इंतखाबी असांजे साम्हूं आहे हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी, डैश सन मां जाओ। हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी डैश सन में पैदा हुए। असांजे साम्हूं ऑप्शन आहिनि अलिफ 1888, बे 1882, जीम 1880 ऐं दाल 1891। त असांजो सही ऑप्शन छा आहे? शाबाश, कोशिश करियो। 1880 जीम असांजो सही ऑप्शन आहे, यानी 1880 में आप पैदा हुए थे इस सन में। असांजो चौथी कसीरुल इंतखाबी आहे हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी, अरबी ऐं फारसी जी मुकमल तालीम हासिल करी हिकमत जो डैश इख़्तियार कयई। हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी ने अरबी और फारसी की तालीम मुकमल हासिल करने के बाद हिकमत का डैश इख़्तियार किया। असांजो ऑप्शन आहिनि अलिफ तरीक़ो, बे पेशवा, जीम धंधो ऐं दाल रस्तो। त असांजो सही ऑप्शन छा आहे? बिल्कुल सही, धंधो। यानी हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी ने अरबी और फारसी की तालीम मुकम्मल हासिल करने के बाद
हिकमत का धंधा अख्तियार किया। असांजी पंजी एमसीक्यू आहे, हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी कुछ वक्त का पोए सेवण छड़ी देश में दवाखानो खोलियाए। हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी ने कुछ वक्त के बाद सेवण को छोड़कर डैश मां यानी डैश में अपना एक दवाखाना खोल लिया। असांजे सामू असांजो ऑप्शन आहिन अलिफ लाड़काने, बे आमरे, जीम दादू, इंदाल कराची। ते प्यारा वारो असांजो सही ऑप्शन छा आहे? शाबाश, कोशिश करियो। सही, लाड़काने में, यानी आपने कुछ वक्त के बाद सेवन को छोड़ दिया और लाड़काने में अपना दवाखाना खोल लिया। सही कसीरुल इंतखाबी आहे, हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी देश ईस्वी में वफात करी वियो। हकीम मोहम्मद फताह मोहम्मद सेवाणी ने देश ईस्वी में वफात पाई। अलिफ 1748, 1843, 1942, 1841। असान जो सही ऑप्शन छा है? 1942। बिल्कुल सही, शाबाश। अगते वदंदा सती एमसीक्यू आहे, हतीम फताह मोहम्मद सेवाणी सियासी मजहबी ऐं अदबी तहरीकन मां डैश हिस्सो वरतियाई। यानी हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी ने सियासी मजहबी और अदबी तहरीकों में डैश हिस्सा लिया। असांजो साम्हूं ऑप्शन आहिनि अलिफ पूरो, बे थोरो, जीम घणो, ऐं दाल सरगर्म। ते असांजो सही ऑप्शन छा आहे? दाल सरगर्म, यानी पुरजोश हिस्सा लिया उन्होंने सियासी मजहबी और अदबी तहरीकों में पुरजोश हिस्सा लिया। अठी कसीरुल इंतखाबी आहे, हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी डैश जो रुकन हो। हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी डैश के रुकन थे। असांजो ऑप्शन आहिनि अलिफ जमियत हिंद जो, जमियतुल इस्लाम जो, बे जमियतुल इस्लाम जो, जीम जमियतुल उलमा, इंदाल जमियतुल सिंध। असांजो सही ऑप्शन छा आहे? जमियत उलमा। बिल्कुल सही, हकीम फताह मोहम्मद सेवाणी जमियतुल उलमा जो रुकन हो। प्यारा वारो ही कसीरुल इंतखाबी सवालात इन लेक्चर जो पूरो थियो। असी इन वक्त नज़म दुआ जो हिस्सो बे जेकी मुख्तसर सवालन जे जवाब ते मुश्तमिल आहे असी पढ़ंदासी। हिस्सो बे हेठन सवालन जा जवाब लिखो। आपको कुछ सवाल दिए जा रहे हैं, आपको उनके जवाब लिखने हैं। असांजो पहिरियो सवाल आहे, शायर अल्लाह ताला खां कहिड़ी दुआ थो घुरे? शायर अल्लाह ताला से कौन सी दुआ कर रहा है? असांजो जवाब आहे, शायर अल्लाह ताला खां दुआ थो घुरे ते ए अल्लाह ताला असांजे दीन जी इज़त ऐं आबरू कायम रख ऐं असांखे अॻियां मुसलमाननि जहिड़ी तौफ़ीक ताक़त हिमत ऐं हशमत अता कर। शायर अल्लाह ताला से ये दुआ कर रहा है कि ए अल्लाह ताला हमारे दीन की इज्जत और आबरू को कायम रख और हम में से जो पहले मुसलमान गुजर चुके हैं उन जैसी हमारे अंदर हमें तौफीक दे उन जैसी और हमारे अंदर उन जैसी ताकत हिम्मत और हशमत यानी जाहो जलाल अता कर। तो बच्चों हमारे सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ।
असन जो बियो सवाल आहे कौम जे लाए शायर जे दिल मा केड़ा सवाल था उपरण। कौम के लिए शायर के दिल में कौन से सवाल उभरते हैं? जवाब असन जो जवाब आहे कौम जे लाए शायर जे दिल मा ही सवाल उपरण था ते असन जी कौम छो कमजोर बदहाल एई परेशान आहे ए मुसीबतन मा फाटेल आहे। यानी शायर कह रहा है कौम के लिए शायर के दिल में ये सवाल आ रहे हैं कि हमारी कौम जो है वो क्यों कमजोर है, बदहाल है, बुरे हालों में है और परेशान है और साथ ही मुसीबतों में घिरी हुई है। कौम के जेकी तकलीफों दुख फर्ज ए मर्जाहिन इस सब के खत्म कर ए इनके हर तरह का खुशी दे। शायर दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि कौम को जो भी हमारी तकलीफें हैं, जो भी दुख है उनके पास, जो भी कर्ज हैं और जो भी बीमारियां हैं, उन सबको अल्लाह ताला आप खत्म कर दें अपने कर्म से और उनको हर तरह से खुशियां दें। बच्चों हमारे पास सब बे में कुछ सवालों के जवाब थे जो हमने आपको पढ़ाए और समझाए। अब हमारे सामने हिस्सा जीम है। हमारा हिस्सा जीम जो है वो जैसा कि हमने आपको पेपर पैटर्न में बताया था कि हिस्सा जीम हमारा बयानिया सवालों के जवाब पर मुश्तमिल होता है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास इसमें क्या काम आ रहा है। बच्चों हमारे पास इस नज़म के कुछ अशआर की तशरीहात जो है वो हिस्सा जीम में शामिल है। सवाल है हमारा हे चैन बेतन जो हवालो डई समझाणी लिखो। कुछ आपको नज़में यहाँ पर कुछ अशआर दिए जा रहे हैं नज़म के, आपको उनको शायर का हवाला नज़म का हवाला देते हुए उसकी तशरीह हमें समझानी है। शायर जो तारुफ आए शायर हकीम फता मोहम्मद सेवाणी सेवन जे अबासी खानदान मां सन 1880 ईस्वी जे अवाइल मां जाओ। शायर हकीम फता मोहम्मद सेवाणी सेवन के अबासी खानदान में सन 1880 की इब्तिदा में पैदा हुए। अरबी एवं फारसी जी तालीम हासिल करण खां पो हिकमत जो धंधो इख्तियार कयाई। आपने अरबी और फारसी की तालीम हासिल की और उसके बाद आपने हिकमत का पेशा इख्तियार किया। इन सां गॾु जमियत उलमा जो रुकन बि रहियो। इसके अलावा आप जमियत उलमा के रुकन बि रहे। सन 1942 ईस्वी मां वफ़ात करी वियो। आपकी वफ़ात 1942 ईस्वी में हो गई। तो बच्चों ये शायर का तारुफ था। हम आगे आपको अशार की कुछ अशार है हमारे पास जिसके हम तशरीहात आपको समझाएंगे। हमारा पहला शेर है, पहली शेर आए असांजे दीन ईमान के सलामत रख खुदावंदा, बचाई तू मुसलमानन जी इज्जत आबरू हर जा। हम हवाला जरूर लिखते हैं हर शेर के साथ जैसा कि नीचे हवाला दिया हुआ है। शेर के नीचे मथियो शेर नज़म दुआ मां वरतल आहे। एहिन नज़म जो शायर हकीम फता मोहम्मद सेवाणी आहे। हमारा हवाला है कि ऊपर लिखा हुआ शेर जो है वो नज़म दुआ से लिया गया है और इस नज़म के शायर हकीम फता मोहम्मद सेवाणी है। समझाणी तशरी है इसकी। अब मथियन शेर मां शायर फता मोहम्मद सेवाणी अल्लाह पाक का दुआ तो घुरे ते ए अल्लाह पाक मुसलमानन जे दीन ईमान के कायम रख ए जिते बा मुसलमान आबाद आए इन्हनि जी इज़त आबरू जी हिफाज़त फरमा। इस तशरी में वो हमें शेर के जरिए ये बता रहे हैं कि ऊपर जो शेर है उसमें शायर फता मोहम्मद सेवाणी अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक मुसलमानों के दीन और ईमान को कायम रख और जहां भी मुसलमान आबाद हैं इनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। ये असांजो पहिरियों शेर जेकी पूरो थियो ऐं बे शेर हिन नज़म जो असांजे साम्हूं आहे। असांखे ॾे ख़ुदा तौफ़ीक ताक़त हिमत ऐं हशमत असां मां कीअं अॻियनि जहिड़ा अजब इंसान कर पैदा। हिन जी समझाणी आहे हवालो असीं पहिरीं शेर सां मुतालिक पाण खे समझाईंदो आहे। हिन शेर जी समझाणी आहे मथियनि शेर मां शायर फता मोहम्मद सेवाणी
अल्लाह पाक का दुआ तो घुरे ते ए मुंजा मौला दुनिया में हर जाय मुसलमानन के भले कम जो तौफीक अता कर ए ताकत ए हिम्मत शान दे ए असा मां एड़ा इंसान पैदा कर जेकी अगे जेड़ा सच्चा ए पक्का ईमान वारा हुआ। ऊपर लिखे हुए शेर में शाही फतेह मोहम्मद सेवाणी अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं कि ए मेरे अल्लाह दुनिया में हर जगह मुसलमानों को भलाई के काम करने की तौफीक अता कर उस मुसलमानों को ताकत और हिम्मत और शान दे और हम में ऐसे लोग पैदा कर जो कि हमसे पहले ईमानदार सच्चे और पक्के मुसलमान गुजरे हों। बच्चों ये हमारे पास दो शेर थे, हमारे सामने शेर नंबर 3 यानी तीसरा शेर है हमारे सामने इस नज़म का। सजी दुनिया मरक इस्लाम के तू और इज्जत सा खुदा इस्लाम जे कलमे संदो तू शान रख बाला। इन शेर जी समझाणी मां शायर फरमाए तो ते इन शेर मां सेवाणी साहब अल्लाह पाक खां दुआ घुरे तो तमाम दुनिया मां इज्जत ए तरक्की ए आला मुकाम अता करो ए खुदा पाक इस्लाम जे कलमे जी शान के बाला रख। यानी वो ये कह रहे हैं कि इस शेर में फतेह मोहम्मद सेवाणी साहब अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला तू तमाम दुनिया में इज्जत और तरक्की नसीब फरमा, मुसलमानों को आला मुकाम अता कर और खुदा पाक इस्लाम के कलमे की शान को बुलंदो बाला रख। यानी आपने इस्लाम पर जोर दिया है कि इस्लाम के मानने वाले जो है वो जहां कहीं भी दुनिया में आबाद हैं उनको तरक्की दे, इस्लाम के कलमे की शान को बरकरार रख और मुसलमानों को दुनिया में हर जगह बुलंद और आला मुकाम अता कर। शेर नंबर 4 हमेशा शाल दुनिया में झंडो इस्लाम जो झूले जिते पई सो वंजी पहुंचे रहे कायम उते बरपा। इन जी समझाई मां हकीम फतेह मोहम्मद सेवाणी फरमाए तो इन शेर मां शायर अल्लाह साईं खां दुआ तो घुरे ते अल्लाह ए मुंजा खालिक इस्लाम जो परचम जिते पहुंचे इन जी शान वडा इन शाल इते झूलंदो रहे। यानी इस तशरी में शायर फतेह मोहम्मद सेवाणी अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला आप मेरे खालिक हैं तो इस्लाम का हमारे मजहब इस्लाम का जो परचम है वो जहां जहां भी पहुंचे, परचम से मुराद है कि इस्लाम का पैगाम जहां जहां भी पहुंचे दुनिया में इसकी शान को आप बढ़ाएं और इस्लाम के झंडे को हमेशा इस्लाम का झंडा जो है वो हमेशा झूलता रहे अपनी शान के साथ और अपनी मजहबी शान के साथ। तो बच्चों हमारे पास ये कुछ अशआर थे जो इस तर्जीम में हमारे शामिल थे जिसमें शायर ने अल्लाह ताला से बहुत सी बातों के लिए दुआ की है। और जैसा कि नज़म का उन्वान है आप ये देखें कि ये दुआ जो है एक आम मुसलमान की किसी की भी हो सकती है। तो शायर ने अपने ख्यालात का इजहार किया है अल्लाह ताला से अपने वतन के लिए, अपने दीन और ईमान के लिए बहुत सारी दुआएं की है। उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो हम जो है इंशाल्लाह अपनी इस नज़म के अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और इसके दूसरे लेक्चर में हम आपको बकिया काम इस नज़म का समझाएंगे। आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हम आपसे इजाजत चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।